कर जो गैप्स का। आज प्रिंसिपल मैडम से जो वेस्ट कॉलेज के गर्ल्स कॉलेज है स्पेशली, उसके अंदर जाके एक तो रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और रोड सेफ्टी टिप्स के बारे में कि भाई अपनी सड़क सुरक्षा के बारे में और कैसे उनको वो करना चाहिए, कैसे ड्राइव करना चाहिए इसके बारे और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए, और स्पेशली जो हमारी दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च हुई है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में डिटेल से उनको नॉलेज दे रहे हैं, उनके बारे उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उनकी तरफ से काम करती है हमारी दुर्गा शक्ति, उसके बारे में डिटेल से उनको इन्फॉर्मेशन और उनकी दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करवाई गई है। स्टाफ मेंबर्स को भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाई। प्रदेशवासियों को ये बताएं कि दुर्गा ऐप से वाकई में है क्या महिलाओं की सुरक्षा। दुर्गा ऐप मेनली हमारी ये GPRS कनेक्ट है और ये हमारा जो सेंट्रलाइज स्टेट लेवल पर है, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद ये सीधा कनेक्ट हो जाती है हमारे हेडक्वार्टर पंचकूला। अगर इन फ्यूचर हमारे बहनों के साथ, लेडीज़ के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या किसी प्रकार की इनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, स्पेशली सम कोई बैड करेक्टर है या कोई मोलेस्टी इनकी हो जाती है, तो उसमें ये बेनिफिशियल है। इनकी पिन पॉइंट लोकेशन हमारे पास आ जाती है और पुलिस को इनके पास जल्दी से जल्दी पहुँचने में हेल्पफुल है। कार्यक्रम जो हुआ दुर्गा ऐप, आज पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से दुर्गा शक्ति ऐप को लॉन्च किया जाने का इनिशिएटिव हमारे महाविद्यालय के द्वारा लिया गया है। महिलाएं क्योंकि आज हर एक क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं, और सभी कार्य बहुत उत्साहपूर्वक करती हैं, लेकिन फिर भी समाज में कुछ इस तरीके के लोगों से सामना उनको करना पड़ जाता है जिनकी इल विल होती है, और इस तरीके के जो व्यक्तित्व हैं समाज में वो कहीं ना कहीं जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, उनके काम की गति में एक अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। जब आज SHO अमित कुमार जी से इसके बारे में बात हुई कि इस ऐप के माध्यम से अगर महिलाएं कहीं पर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं तो इस ऐप को अगर उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके माध्यम से तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलेगी। तो जैसे ही उनसे बात हुई मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपने कॉलेज की छात्राओं को, अपने महाविद्यालय की जो टीचिंग स्टाफ है, क्योंकि महिला कॉलेज है तो हमारा लगभग जो फैकल्टी है चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है या स्पोर्टिंग स्टाफ है, वो महिलाओं का है, और महिलाओं को कहीं भी किसी भी तरीके की असुरक्षा कभी भी महसूस हो सकती है, और निसंदेह इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उनके हाथ में एक सशक्त हथियार के रूप में ये ऐप काम करेगा। और इस ऐप के माध्यम से जो थोड़ा बहुत मन में एक संकोच होता था सुरक्षा को लेके, एक असुरक्षा की भावना होती थी जिसके तहत शायद कुछ महिलाएं कुछ क्षेत्रों में कदम आगे नहीं रख पाती थी, अगर उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो निसंदेह वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। और इसका जो फ़ायदा है वो ना केवल इस महाविद्यालय की छात्राओं को या फैकल्टी को होगा बल्कि वो आगे भी बताएंगे, और समाज के हर वर्ग की महिला को इस ऐप से एक फ़ायदा होगा और महिलाएं अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। और जब सुरक्षित महसूस करते हैं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने का अवसर जो भी उनको मिलेगा वो अवसर छूटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। थैंक यू।